हमारा फेथ कल्चर ये सब भी लुप्त होने जा रहा था, इसलिए उसी को बचाना आवश्यक समझा हम लोग। हम अगर हमारे कल्चर को अगर प्रिजर्व नहीं करने से हमारा एनवायरनमेंट को बहुत असर पड़ेगा, नेचर को बहुत असर पड़ेगा। सो इफ यू रिड्यूस द कल्चर, इफ यू गो बियॉन्ड योर कल्चरल कंपोनेंट, यू आर ट्रबलिंग एवरीबॉडी। अब इस सबको थोड़ा रियलाइजेशन आ गया है कि हाँ, अपना कल्चर को भी वैल्यू देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम बाहर सभी घूमते रहेंगे, सभी बाहर नौकरी करते रहेंगे, तो वो कल्चर यहाँ पे बचेगा नहीं। हम लोग जैसे जो पढ़ा लिखा लड़के हैं, जो यूथ है, उन लोगों को वापस आना चाहिए, जो स्वदेश की जो भावना है उनको समझना चाहिए। ये बदलाव के फल उसी पेड़ के हैं जिस पेड़ को VKIC सींच रही है। ये VKIC है। VKIC नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को समझ रही है और समझकर उसी संस्कृति का संवर्धन कर रही है। VKIC लोगों को जोड़ती है, लोगों में आत्मविश्वास जगाती है। VKIC अच्छाइयां खोजती है, समानताएं ढूंढती है। VKIC संस्कृति के द्वारा नॉर्थ ईस्ट का विकास चाहती है। VKIC एक अध्ययन संस्था है, ये एक सेवा कार्य है, विचार है। VKIC विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी। VKIC को जानने के लिए पहले नॉर्थ ईस्ट को समझना होगा। नॉर्थ ईस्ट जिसका भूक्षेत्र दुनिया के 116 देशों से बड़ा है, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन चार देशों से जुड़ी 4,500 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कूटनीति और युद्ध नीति की दृष्टि से भी इस भूप्रदेश का महत्व जताती है। ये भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिसकी अच्छाइयां हमेशा ओझल रहीं, जिसकी विशेषताएं हमेशा अनदेखी की गईं। प्रकृति और संस्कृति से भरपूर इस प्रदेश में 225 से भी अधिक जनजातियां हैं। हर जनजाति का भेष अलग, भाषा अलग, देवी देवता, उत्सव, रहन सहन, सब कुछ अलग। ये वो बहुरंगी पेड़ है जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाए तो कुछ लोगों ने इसके बारे में भ्रम पैदा किए। यहाँ की केवल बुराइयों का इतिहास लिखा गया, आपसी मनमुटाव को विद्वेष में बदल दिया गया। यहाँ जो कुछ अराष्ट्रीय तत्व थे उन्होंने इस विविधता को, ऐसा भी हो सकता है न समझने के कारण, या शायद उनके मन में भी कुछ काला था, इसलिए इस सब के इंटरप्रिटेशन ऐसे किए कि जिससे इन कम्युनिटीज़ के अपने संस्कृति के ऊपर के, स्वयं के ऊपर के आत्मविश्वास को ही ठेस पहुंच गई। जैसे उदाहरणार्थ ये लोग जो है वो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, अच्छे स्पिरिट और बुरे स्पिरिट्स, यानी देवी देवता शब्द का उपयोग नहीं किया, ये स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। ये प्रिमिटिव रिलीजन्स है और इनकी संस्कृति कालबाह्य हो गई है, आज इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जैसा होता है कहीं भी कि लोग जब एक साथ रहते हैं, कभी कुछ इधर उधर झगड़े भी होते हैं, लेकिन सिर्फ उन झगड़ों का ही यदि हम एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और कहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज़ हमेशा एक दूसरे की शत्रु रही है, तो ऐसा कहते कहते उनमें परस्पर विद्वेष बढ़ाना, उनका शत्रुत्व बढ़ाना। यहाँ की संस्कृति और मान्यताओं पर ही हमला बोल दिया गया, जिससे अच्छी परंपराएं खंडहर बन गईं। लोग अपनी संस्कृति विरासत से नाता तोड़ने लगे। तो ये हम जहाँ खड़ा है ये इसको पा कहते हैं। ये पा इंस्टीट्यूशन जो है गांव का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये जो है मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूशन है, यही में डिसिप्लिन सीखता है, यही में मेरे गाँव का जो काम का सीखता है, पढ़ाई लिखाई, मैंने मान लीजिए किताब का पढ़ाई लिखाई नहीं, स्किल जो है यहीं सीखता है। तो ये पा इंस्टीट्यूशन जो है वांचो समाज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो हम जो खड़ा है ये एक डिलापरेटेड कंडीशन में है, खराब हो रहा है ये, क्योंकि पा का जो मेंबर्स होना चाहता है वो मेंबर्स अभी मेरे एक्टिव नहीं है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि हमारा यहाँ में जो बाहरी संस्कृति जो आया उन लोग का वही से एक है। यहाँ की संस्कृति पर हो रहे हमलों के ऐसे कई उदाहरण पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। इन प्रयासों ने नॉर्थ ईस्ट को अलगाववाद, अशांति और हिंसा की धुंध में ढकेल दिया।
विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ जी ने इस स्थिति को अच्छी तरह से भांप लिया था। नॉर्थ ईस्ट की विविधता में छुपी एकता को उजागर करना और उसका समूचे भारत के साथ कैसे जुड़ाव रहा है, इस तथ्य को अवगत कराना आवश्यक था। वो जोड़ने वाला एक ही धागा हो सकता था, संस्कृति। कल्चर इज योर आइडेंटिटी एंड व्हेन यू हैव योर आइडेंटिटी यू हैव योर सेल्फ प्राइड एंड दैट सेल्फ प्राइड कैन ओनली मेक मेन कॉन्फिडेंट एंड व्हेन ए पर्सन और ए सोसाइटी इज कॉन्फिडेंट कैन डू एवरीथिंग। इसी विचार से एकनाथ जी ने VKIC की कल्पना की। यहाँ की अपनी संस्कृति का अध्ययन करना, यहाँ के अपने लोगों में आत्मविश्वास जगाना, इस आत्मविश्वास देने वाली संस्कृति की रक्षा करना, आपसी विश्वास बढ़ाना और इस कार्यपथ से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ना, ये उद्देश्य लेकर VKIC कार्यरत है। इन उद्देश्यों को साध्य करने हेतु VKIC कई अनूठे कार्यक्रम और उपक्रमों का आयोजन करता है। संगोष्ठी का आयोजन, जनजातियों का डॉक्यूमेंटेशन, सर्वेक्षण, पुरस्कार प्रदान, चर्चा सत्र और प्रकाशन, ये उपक्रम VKIC चलाती है। विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो है वह एक, जिसको हम कह सकते हैं, अदृश्य सेवा या इनटेंजिबल सेवा या मूलभूत सेवा, वह सेवा करता है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास आवश्यक है, तो वह आत्मविश्वास जागृत करना, ये आत्मविश्वास जगाने का काम VKIC जनजातियों के साथ जुड़कर करती है। कुछ शहरों को छोड़ दें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोग अपनी अपनी जनजाति के साथ रहते हैं, जिसे बस्ती कहते हैं, और वही बस्ती उनका विश्व होती है। VKIC में इन जनजातियों का अध्ययन होता है। उसी हेतु किसी एक जनजाति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन होता है। इस संगोष्ठी की कई खूबियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि इस संगोष्ठी के आयोजन से लेकर रिसर्च पेपर रखने तक सारी जिम्मेदारी उसी जनजाति के लोग उठाते हैं, निभाते हैं। ये सेमिनार कन्वेंशनल सेमिनार नहीं है। कन्वेंशनल सेमिनार जो सीनियर आदमी को बताया, कोई एडुकेटेड आदमी को बताया, उन्होंने लेक्चर दिया, बाकी सुनते रहा, कभी निकल गया, ये नहीं है। जो प्रैक्टिसिंग, जिसको कम्युनिटी का जो कल्चर प्रैक्टिस करता है, उससे ही हम लोग सेमिनार सुनता है, वही रिकॉर्ड करता है हम लोग। ये 6 महीने की प्रक्रिया होती है, यानी गांव वालों के साथ, पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन संस्कृति के अपने सारे मूल्यों को जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हुए पेपर तैयार होते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स, चेंज एंड कंटिन्यूटी, इस शीर्षक के तले ये संगोष्ठी चलती है, जिसमें उस जनजाति की परंपराएं, मान्यताएं उजागर होती हैं, उन पर विचार विमर्श होता है। आज तक 32 जनजातियों को लेकर 61 संगोष्ठियों का आयोजन VKIC द्वारा हुआ है। ये संगोष्ठियां जनजातियों में आत्मविश्वास पैदा करने में कामयाब रही हैं। अपनी संस्कृति में अपने शाश्वत मूल्य क्या है और ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो आज काल बाह्य हो गई है, और अपने शाश्वत मूल्यों को जीवन में लाने के लिए हमें क्या नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, इसकी चर्चा चिंतन उसमें पूरी कम्युनिटी करती है, और उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम भी अपने संस्कृति को साथ लेते हुए विकास कर सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं जाना है, तो एक्चुअली हमें आगे जाने का तरीका मिल गया है। असम में सत्र परंपरा हमेशा प्रभावशाली रही है। ये सत्र आज भी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। समाज ने भी सत्र की प्रासंगिकता समझी है। कुछ साल पहले VKIC ने सत्र दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रमुख सत्राधिकारी शामिल हुए थे, एक ही मंच पर आए थे। इस कार्यक्रम के उपरांत सत्र की दृष्टि में बदलाव आया। And after Satra Darshan, all the Satradhikari go to their field, their areas, and they transformed all the message of unity, not diversity. So we can do all these things unitedly for the peace, for the society, better doing of the society, everything what the Shankar Deva has given. So the VKIC has played a very important role.
नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों का डॉक्यूमेंटेशन वीकेआईसी द्वारा हो रहा है, जिनमें उनका घर, रहन सहन, खाना पीना, उत्सव, नृत्य, इन सारी परंपराओं का डॉक्यूमेंटेशन होता है। इन परंपराओं का डॉक्यूमेंटेशन करते समय जिन तत्वों पर, मूल्यों पर वो आधारित है, उसकी खोज भी होती है। तब ये ध्यान में आता है कि सबके जीवन मूल्य एक हैं। उसका बाह्य आविष्कार चाहे विविध हो, इस डॉक्यूमेंटेशन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आज तक लगभग 9 जनजातियों का डॉक्यूमेंटेशन वीकेआईसी ने किया है। अलग अलग विषयों पर 31 पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। हर साल वीकेआईसी सम्मान प्रदान किया जाता है। ये सम्मान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संस्कृति रक्षण और संवर्धन को ही अपना जीवन कार्य माना है। इस माध्यम से उन लोगों का कार्य उजागर करने में वीकेआईसी यशस्वी हुई है। राधानाथ फुकन मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन वीकेआईसी द्वारा होता है, जिसमें भारत भर से आए गणमान्य व्यक्ति अपने विचार रखते हैं। संस्कृति अन्वेक्षक इस चर्चा सत्र के तहत नॉर्थ ईस्ट की परंपरा और समस्याओं पर दिशा दर्शन होता है। डेवलपमेंट थ्रू कल्चर, संस्कृति के द्वारा विकास, यही शाश्वत विकास का मंत्र है, ऐसा वीकेआईसी मानती है। यदि विकास परस्पर सहयोग, पर्यावरण का पोषण, संयम जैसे मूल्यों पर आधारित है, तभी वो शाश्वत होता है और ऐसे मूल्य संस्कृति प्रदान कराती है। संस्कृति के साथ विकास करने से शाश्वत विकास होता है। उसी हेतु उद्योजकता और अन्य विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन वीकेआईसी द्वारा होता है, जो खासकर युवाओं के लिए लाभदायक साबित हुई है। जब से मैं गुवाहाटी में वीकेआईसी का ट्रेनिंग अटेंड हुआ है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो जींस है मेरा अंदर में भी एक उत्पन्न हुआ है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा वीकेआईसी का कार्यालय इन सारी गतिविधियों का केंद्र है। इस कार्यालय में नॉर्थ ईस्ट के अध्ययन हेतु आवश्यक ग्रंथालय, बांस से बना विशाल सभागृह और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए जुटा कार्यकर्ताओं का गुट भी आपको मिलेगा। गत 30 सालों से चल रही वीकेआईसी की गतिविधियों के परिणाम मिल रहे हैं। उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेश में, जहां केंद्र का कार्य काफी है और वीकेआईसी ने भी जहां काफी काम किया है, तो वहां की जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज में कि हाँ, हम समय के साथ साथ हम विकास भी कर सकते हैं, यानी संस्कृति और विकास साथ साथ कर सकते हैं, यह एक आत्मविश्वास उनमें आया। दूसरा ऐसा है कि इंसर्जेंसी को भी, उनको भी रोक सके ऐसी एक संगठनात्मक शक्ति इन कम्युनिटीज में इसके कारण खड़ी हुई। चांगलांग जिले में जोरों से चल रहा रंग फ्रा मूवमेंट इसका उदाहरण है। अलगाववादियों की धमकियां, विपरीत परिस्थितियां, इसके बावजूद रंगफ्रा मूवमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि हम रंगफ्रा से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली गुम हो जाएगा हमारा कल्चर जो है, इसलिए ये जरूरी समझा है कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि इंडिजिनस कल्चर में अगर रहें तो हम जो है इको फ्रेंडली होता है। अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव में कुछ युवाओं ने गारुंग थुक यानी अपना गांव, ये एक सामाजिक संगठन शुरू किया है, जो अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने में जुटा है। तवांग में चल रहा लाइब्रेरी मूवमेंट 2010 में आयोजित मोनपा संगोष्ठी की देन है। ये मूवमेंट लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने में यशस्वी रहा है। कई बुद्धिजीवियों को अपनी अपनी संस्कृति के बारे में संशोधन करने के लिए वीकेआईसी ने प्रोत्साहित किया है। ये सारा काम सुनिश्चित उद्देश्य और विचारों से चल रहा है। डेवलपमेंटल एक्टिविटी कितना हो रहा है, रोड्स हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, सब चेंज हो रहा है, कम्युनिटी इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप दूसरा हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन जो कोर वैल्यूज होता है वो मेंटेन जाते रहे, उसको यदि कोई इंटरवीन ना करे। हम वी डोंट वांट टू मेक अनदर म्यूजियम, ये म्यूजियम नहीं है,
Since the day of its inception, this institute has contributed towards promoting peace, harmony, and coexistence amongst the people of Northeast and region. Over the years, it has almost become a fountainhead of new ideas and new thoughts. In fact, what BKIC thinks today, the rest thinks tomorrow. Sanskriti ekyam pushnati. संस्कृति एकता बनाए रखती है। इसी सोच को लेकर चल रहा वीकेआईसी का कार्य नॉर्थ ईस्ट की जड़ों को सींच रहा है, मजबूत कर रहा है।